हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको एक प्रॉब्लम के बारे में बताने वाला हूँ जो कि एयरटेल सिम की तरफ से आ रही है। जब भी आप किसी को कॉल करते हैं तो कॉल लगाने पर कुछ ऐसा बोलता है, सॉरी दिस फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल ऑन योर नंबर, प्लीज कॉल कस्टमर केयर फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। क्षमा करें, आपके नंबर पर ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। अधिक जानकारी के लिए कृपया कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करें। माफ करिए, आपके नंबर पे यो सुविधा उपलब्ध होनी है। ज्यादा जानकारी के वास्ते कृपया कस्टमर केयर नंबर पे कॉल करो। और ये बोलने के बाद में कॉल ऑटोमेटिक से डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है? अगर आप कस्टमर केयर से बात करोगे तो कस्टमर केयर ये बोलेगा कि आपको एयरटेल ऑफिस में जाना पड़ेगा और वहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट जो भी है वो वापस से रिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत पुरानी सिम ले रखी है और उसको वापस से रिन्यू करने के लिए ये बोला जा रहा है। अगर आप कॉल करते हो तो उनके नंबर है 121 और 198, ये दो नंबर उनके हैं, तो आप उनसे कॉल कर सकते हो। जब भी आप कॉल करोगे तो आपको एक घंटे तक भाषण सुनाएगा, फिर बाद में अगर कॉल कनेक्ट होता है तो हो जाएगा, वरना नहीं होगा। आपको 5 से 7 बार ट्राई करना पड़ेगा, फिर एक बार बोलेगा कि कस्टमर केयर से बात करने के लिए ये दबाएं, तो आपको वो बटन दबा देना है। इसी प्रकार से आप इनके कस्टमर केयर पर बात कर सकते हो। इनका कस्टमर सपोर्ट अच्छा है, पर जब एक बार में कॉल कनेक्ट नहीं होता है तो बहुत ही बुरा लगता है कि इतने अपन पैसे पे करके सिम चला रहे हैं और जब कस्टमर केयर पे कॉल करते हैं तो आपको एक घंटे तक मतलब परेशान किया जाता है, ये दबाओ वो दबाओ ये दबाओ वो दबाओ। तो अगर आपको भी अगर इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप सीधा कस्टमर केयर जो ऑफिस होता है आपकी सिटी में नियरेस्ट जो भी एयरटेल ऑफिस है वहाँ पर जाकर अपना जो आईडी दिया है वो लगवा कर आप वापस से रिन्यू करा सकते हो। और मैं इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ, अगर आज मैं दिन में जाऊँगा उनके पास, अगर वो नहीं करते हैं तो भी आपको बताने वाला हूँ, अगर हो जाता है तो भी आगे जो वहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए या कुछ भी चाहिए वो मैं आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और जब आप एयरटेल सर्विस सेंटर पर जाओगे तो वहाँ पर आपको अपना एक आईडी और जिसके नाम पर सिम है उसको साथ में जाना होगा, और वहाँ पर वापस से उनको रीवेरिफिकेशन के लिए आपको बोलना पड़ेगा और वो कुछ टाइम में आपका रिवेरिफिकेशन कर देंगे। तो इसी प्रकार से आप अगर आपकी सिम बंद हो गई है तो आप उसको रिन्यू कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।